नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला ये कि मायावती ने दुष्यंत चौटाला को झटका दे दिया है। दरअसल मायावती ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है, इसका ऐलान किया है। अब मसला ये है कि इस गठबंधन के टूटने के बाद अब आगे हरियाणा की राजनीति में क्या हो सकता है, क्या बदलाव आने वाला है, या अब हरियाणा की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है, और ये झटका दुष्यंत चौटाला के लिए कितना बड़ा है। दरअसल शुक्रवार देर शाम को मायावती ने दो ट्वीट कर ये गठबंधन तोड़ने की जानकारी दी सभी को। मायावती ने ये कहा कि जो हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था उसमें सीटों की संख्या और सीटों के बंटवारे को लेकर जननायक जनता पार्टी के अनुचित रवैये की वजह से यह गठबंधन तोड़ा जाता है। उसके बाद मायावती ने कहा कि अब विधानसभा का चुनाव हरियाणा में बसपा अपने दम पर लड़ेगी। अब ये जब ट्वीट वायरल हुआ सभी को पता चला, तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला का भी इस पर जवाब आया और दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि हमने तो 40 सीटें दी थी बसपा को और हमने तो बहुजन समाज को एक पावर देने की बात कही थी और ये बात हम आगे भी जारी रखेंगे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी भी 90 सीटों पर तैयारी है और हम भी अपने दम पर लड़ेंगे। तो इसका मतलब कि गठबंधन बिल्कुल टूट गया। अब राजनीति कहां खड़ी है? निश्चित तौर पर यह झटका दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा झटका है, लेकिन जब यह गठबंधन हुआ था उस समय यह कहा जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने हालात को देखते हुए मौके पर चौका मारा है कि इससे पहले बीएसपी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, मतलब कांग्रेस के साथ चर्चा यह भी थी लोगों के बीच में कि बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने बसपा के साथ समझौता कर सभी को चौंका दिया था और कानो कान खबर भी नहीं थी किसी को कि ऐसा कोई गठबंधन होने वाला है। लेकिन यह गठबंधन एक महीना भी नहीं टिका और तकरीबन 26 दिन के बाद यह गठबंधन टूट गया। झटका बहुत बड़ा है। हालांकि हमने उसी दिन बोल दिया था जिस दिन यह गठबंधन हुआ था, उस दिन अपनी चर्चा में हमने बोला था कि इतिहास को देखते हुए, यानी कि हरियाणा में जितने भी गठबंधन बीएसपी ने किसी पार्टी के साथ किए हैं उस इतिहास को देखते हुए मतलब भरोसा करना बहुत मुश्किल है, मायावती की माया को समझना बहुत मुश्किल है। मायावती कभी भी किसी भी वक्त गठबंधन तोड़ सकती है और यह इतिहास बताता है। आपको याद होगा सबसे पहले इनेलो के साथ ओम प्रकाश चौटाला के समय गठबंधन 1998 में, उसके बाद आपको पता है कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ गठबंधन, वो तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर आपको याद होगा फिर इनेलो के साथ गठबंधन अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में और जींद के उपचुनाव के बाद वो तोड़ दिया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती की पार्टी ने राजकुमार सैनी की पार्टी LSP से गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद वो भी तोड़ दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले बसपा और JJP का गठबंधन हुआ था, लेकिन हमने बोला था कि इतिहास को देखते हुए ये कितने दिन टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये गठबंधन कम से कम विधानसभा चुनाव तक टिकेगा, उसके बाद नतीजे बताएंगे कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होता है, लेकिन उससे पहले ही ये गठबंधन टूट गया। अब हरियाणा की राजनीति इस वक्त किस मोड़ पर खड़ी है, क्या हो सकता है? आपको पता है कि सत्ताधारी पार्टी BJP फुल फॉर्म में है, 75+ का टारगेट नारा लेकर चल रही है और मुख्यमंत्री ने तमाम हरियाणा में तकरीबन घूम लिया है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। एक एक हल्के में 10-10, 15-15 कैंडिडेट हैं जो बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। हां, बीजेपी में जब टिकटों का बंटवारा होगा उसके बाद क्या होगा, क्या भगदड़ मचती है या क्या कुछ होता है, यह खैर उसी समय पता चलेगा।
सामने कौन है, हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी के सामने कौन है, विपक्ष में कौन है। विपक्ष में आज से पहले जेजेपी और बसपा ठीक स्थिति में दिखाई दे रही थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस उलझी हुई थी संगठन में बदलाव को लेकर ही। मतलब कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं मायूस, या फिर वो इतनी कोशिश नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच में नहीं जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जेजेपी और बसपा अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे थे। अब जब कांग्रेस में बदलाव हो गया तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिली, तो उसके बाद जो हुड्डा समर्थित गुट है उनमें एक नया जोश आया है, मतलब वो नए जोश के साथ इस चुनाव में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर इससे पहले जेजेपी बसपा नजर आ रही थी और एक तरफ कांग्रेस और इनेलो, क्योंकि बहुत सारे नेता उनके छोड़कर जा चुके थे, इनेलो बहुत नीचे दिखाई दे रही थी। अब क्या है कि जेजेपी बसपा गठबंधन टूटने के बाद निश्चित तौर पर जेजेपी के जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो जरूर मायूस हुए होंगे इस गठबंधन के टूटने से, जोश भी कम हुआ होगा, और वहीं कांग्रेस का जो एक धड़ा है उनमें जोश बढ़ा है नई जो नियुक्ति हुई है उनको लेकर। हां, एक बात और है, जेजेपी और बसपा का गठबंधन टूटने के बाद अब एक नए गठबंधन के आसार नजर आने लगे हैं प्रदेश में। आपको पता है कुछ दिन पहले से ही जो कोशिश की जा रही है खाप पंचायतों की ओर से कि इनेलो और जेजेपी को इकट्ठा किया जाए, परिवार को भी इकट्ठा किया जाए उनको, तो वो खाप पंचायतें तकरीबन अभय चौटाला से, ओपी चौटाला से, ओम प्रकाश चौटाला से यानी, और दुष्यंत चौटाला तीनों से मिल चुकी हैं, और क्या कुछ इन सभी नेताओं के बयान आए हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कल ही बोला था कि पारिवारिक तौर पर फैसला सरदार प्रकाश सिंह बादल और ओम प्रकाश चौटाला को करना है, लेकिन राजनीतिक तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा था क्योंकि गठबंधन है बसपा के साथ, ऐसे में ऐसी कोई बात समझौते की बात वो गठबंधन वाली पार्टी और हमारी जो कमेटी है फैसला लेने वाली कमेटी वो मिलकर ही कर सकते हैं। दुष्यंत ने यह भी कहा था कि क्योंकि गठबंधन को हम धोखा नहीं दे सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगले दिन ही गठबंधन के साथी यानी मायावती ने छोड़ दिया दुष्यंत चौटाला को। हां, अब आसार नजर आते हैं कि इनेलो और जेजेपी फिर एक हो सकते हैं अगर और थोड़ी कोशिश की जाए, मतलब जिस तरीके से गठबंधन टूटा है। हां, अगर इनेलो और जेजेपी फिर इकट्ठे होते हैं प्रदेश की राजनीति में तो फिर एक बार जोश आएगा इनेलो के कार्यकर्ताओं में और जेजेपी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पिछले लंबे समय से जेजेपी के कार्यकर्ता और इनेलो के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं या उनकी इच्छा ये है कि ये दोनों पार्टियां एक हो जाएं। वो लगातार ऐसा बोलते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बोलते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उनका जोश हाई हो जाएगा और ये जो गठबंधन था बसपा और जेजेपी का, उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में इनेलो और जेजेपी का गठबंधन दिखाई देता है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा कि बीजेपी और उसके सामने इनेलो प्लस जेजेपी और एक तरफ कांग्रेस, ये दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर हालात बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कहां खड़ा है, किस स्थिति में है, बीजेपी के सामने कांग्रेस कहां खड़ी है और बीजेपी के सामने जेजेपी इनेलो अगर मिलते हैं तो फिर वो कहां खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मायावती ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन को तोड़ा है और उसके बाद क्या हालात हैं मौजूदा, और दुष्यंत के लिए ये झटका कितना बड़ा हो सकता है, और क्या इस झटके से संभलने के लिए दुष्यंत चौटाला के पास एक और मौका है, और वहीं ये जो स्थिति मैंने आपको बताई है बीजेपी सामने कांग्रेस, जेजेपी या इनेलो, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजेंगे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा और द मसला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द मसला देख रहे सभी दोस्तों का शुक्रिया। द मसला हरियाणा का सबसे भरोसेमंद चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े मुद्दों पर हमारी चर्चा आप तक पहुंचे तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो, हमारी हर चर्चा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।